आपके पास ओप्पो F23 5G है या कोई और फोन है, तो यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीन लॉक हो रखा है, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉक स्क्रीन है और इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, मतलब स्क्रीन पे टच करके रखेंगे और यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये लॉक स्क्रीन की सेटिंग यहाँ से शुरू होगी जहाँ से लॉक स्क्रीन लिखा हुआ है यहाँ तक। तो लॉक स्क्रीन पे सबसे पहले लॉक स्क्रीन मैगजीन आ जाता है। तो लॉक स्क्रीन मैगजीन क्या है, आपको पता ही होगा कि जितनी बार भी अनलॉक करते हैं फोन उतनी बार ही अलग अलग वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी तो सिंगल आ रहा है, तो जब आप उसकी सेटिंग कर दोगे तो आपको अलग अलग वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वीडियो फुल डिटेल की अलग से देख लेंगे। रेस टू वेक आ जाता है, तो स्क्रीन को जैसे आप ऑफ करके रखते हैं और जैसे उठाते हैं ना तो स्क्रीन की लाइट चल जाती है, तो उसको रेस टू वेक बोलते हैं। डबल टैप टू लॉक और टर्न ऑफ, मतलब स्क्रीन जब आपकी लॉक है तो डबल टैप करोगे तो स्क्रीन की लाइट जल जाती है, डबल टैप करने से ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने हाथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये फेस लॉक से अनलॉक हो जाता है ना बार बार, इसलिए। और इसके बाद लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट यहाँ से आप नन कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब कैमरा नहीं हटता क्योंकि आप आजकल तो कैमरे का ज़माना है, तो कैमरा हट जाएगा तो फिर फटाफट से कैसे अनलॉक, मतलब कैमरा ऑन होगा, तो इसलिए इस कैमरे का शॉर्टकट दिया जाता है सेफ्टी के लिए। और नन कर देंगे तो यहाँ से इस साइड वाला जो लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट है वो रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्लॉक स्टाइल आ जाता है, तो क्लॉक का स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं तो ये आप चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन, जैसे कि फोन में पॉकेट फोन पॉकेट में रहता है ना तो वो गलती से टच हो जाता है या किसी को कॉल लग जाती है, कैमरा ओपन हो जाता है, तो इससे ये प्रोटेक्ट रखेगा आपके फोन को। और इससे ये फायदा भी होता है, जैसे पॉकेट में रहता है ना तो आपकी इनकमिंग रिंगटोन इंक्रीज हो जाती है, जो रिंगटोन बजती है वो बहुत तेज बजती है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कॉल आ रही है, ठीक है। इसके सेंसर्स इस टाइप से बने हुए हैं। बाकी ये रीसेंट टास्क मैनेजर अलग है, अगर लॉक कर दोगे और शो रैम कर दोगे तो रैम दिखाता है, बस इतनी सेटिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं डबल टैप वाली भी सेटिंग हो गई है, डबल टैप टू लॉक अनलॉक, ये आपका ऐसे काम करते हैं। और क्लॉक वगैरह सब चेंज हो गया है, ठीक है। और लॉक स्क्रीन पे एक चीज़ और रहता है कि ये आपका मैसेज कैसे हाइड करे, तो हाइड लॉक स्क्रीन मैसेज की वीडियो आप अलग से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।